हेलो फ्रेंड्स, अगर आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले को या इक्वेशन को इस टाइप से लिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि H2O प्लस CO2 प्लस H2SO4 प्लस KCl, इस टाइप से और भी आगे तक आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, बिल्कुल ये गलत तरीका होता है केमिस्ट्री की क्वेश्चन लिखने का। इसी टाइप से अगर आप इस नॉर्मल कीबोर्ड से अपने मैथ्स की इक्वेशन भी लिखोगे तो भी ही गलत टाइप से ही वो लिखेगी। जैसे a + b² a - b² आप इस नॉर्मल कीबोर्ड से नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, कोई 11th क्लास में है, कोई 12th क्लास में होगा या फिर कोई कॉलेज में होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल पढ़ाई बहुत डिजिटल तरीके से होने लगी है, सभी के पास स्मार्टफोन होता है। तो फ्रेंड्स, कभी न कभी आपको ऐसा मौका ज़रूर आया होगा कि आपको आपके दूसरे किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप में या फिर किसी मैसेज में आपको केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख के या मैथ्स का कोई फॉर्मूला लिख के देना होता होगा। पर फ्रेंड्स, आप वह करके नहीं दे पाते होंगे क्योंकि आपके पास उस टाइप का कीबोर्ड ही नहीं होता कि आप उस टाइप से इक्वेशन लिख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें यह सभी साइन है, सभी इक्वेशन आप लिख सकेंगे उससे और सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से लिख के दे सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, इसमें कुछ सेटिंग्स स्टार्ट करनी होती है तब यह आपके मोबाइल के कीबोर्ड में आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है IPA कीबोर्ड। ये सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन आ चुकी है 1.0 MB की, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत कम MB की एप्लीकेशन है, इसमें आपका ज़्यादा डाटा भी वेस्ट नहीं होगा। ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ये सब चीज़ें क्या फंक्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप अपना इंस्टॉलेशन में जाके इनेबल IPA कीबोर्ड में जाके इसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल कर लेते हैं, उसके बाद जाते लिए जब यहाँ पे कीबोर्ड होगा तो ऊपर से नोटिफिकेशन को लाइए और यहाँ पे चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन रहता है, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा IPA कीबोर्ड, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, IPA कीबोर्ड आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने इंस्टॉल किए थे और सबसे पहले जो इंटरफेस आया था वो सब चीज़ें क्या थी। यहाँ से भी उस IPA कीबोर्ड के इंटरफेस में जा सकते हैं। सबसे पहले जाइए ये 1, 2, 3 में, उसके बाद एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ये सेटिंग में जाइए, वापस वही ऑप्शन आ गया सिलेक्ट कीबोर्ड। फ्रेंड्स, ये है, इसमें जाने के बाद इस टाइप से आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं, ये 5 पूरा है। और इसमें ये दूसरे टाइप का कीबोर्ड, ये तीसरे टाइप का, चौथे टाइप का, इस टाइप से ये है फ्रेंड्स। सो हिंट्स का मतलब है कि मैं आपको बैक करके बताता हूँ। जैसे सो हिंट्स का मतलब है कि हम डी प्रेस करते हैं तो वॉइस एलेवलर प्लोजिव ऐसा कुछ डी के बारे में लिखा आता है, ऐसा वो हिंट देता है अपने को। ऐसे जो भी अपन टाइप करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी हिंट देता है। उसके बाद वापस से जाते हैं वही सेटिंग पे। सो हिंट्स, वाइब्रेट का मतलब टाइपिंग करते समय वाइब्रेट। शो अल्टरनेट्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे F लिखा है, F के साथ साथ उसके पीछे आप देखिए तो 5 भी लिखा है और भी दूसरा सिंबल लिखा है, तो F को हम प्रेस करके रखते हैं तो इतने सारे और F के साथ साथ ऐसे सिंबल आ जाते हैं। जैसे हमको 5 चाहिए तो 5 में क्लिक कर दीजिए तो 5 टाइप हो जाएगा। इस टाइप से जो अपन को F के साथ और 5 दिख रहा है वो शो अल्टरनेट है। अगर हम वहाँ से जाके स्क्रीन को और ये इसको ऑफ कर देंगे तो वो शो अल्टरनेट दिखना बंद हो जाएंगे, सिर्फ अपने को कीबोर्ड दिखेगा नॉर्मली। पर वो अच्छी चीज़ है इसलिए इसको ऑन रहने दीजिए, क्योंकि ये कीबोर्ड ही उसी लिए है।
उसके बाद ये सब ऐसी ही चीज़ें हैं, इनको ऑन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... सिर्फ आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दिए थे, बल्कि आप और भी अच्छे से इसमें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए एक नई एप्लीकेशन के बारे में बताता रहूं, नई नई चीज़ें के बारे में बताता रहूं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को।